हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में एक चार्जिंग प्रॉब्लम है, एक रिपेयरिंग का काट आया है। देखते हैं इसे। कस्टमर द्वारा इसमें कंप्लेंट है कि ये सही से चार्जिंग नहीं कर रहा है बैटरी का, तो इसमें ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम थी, तो मैंने ट्रांसफार्मर बदल दिया है। और ट्रांसफार्मर चेंज करने के बाद हम इसमें प्रोग्रामिंग सेट करके, कैलिब्रेशन करके और वोल्टेज वगैरह चेक करके कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। तो ये है डिस्प्ले जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और ये है 1 kg का पार्ट रखा है हमने, तो कुछ इसका कैलिब्रेशन में गड़बड़ है। 664 या 564 इस टाइप से बताता था ये, तो हम इसे कंप्लीट करके कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे। ये देखिए 664 बता रहा है, और इसमें हम सारे वोल्टेज या जहाँ पर इस पीसीबी में जहाँ पर चार्जिंग वाला सिस्टम है वहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे। अब देखिए ट्रांसफार्मर हमारा अप्रोक्सी मैक्सिमम 10 वोल्ट निकाल रहा है, 9.5 निकाल रहा है, और इसका फिर बैटरी वोल्टेज देखते हैं, बैटरी वोल्टेज कितना आउटपुट दे रहा है मदरबोर्ड। ये देखिए 7.17 दे रहा है। इससे पहले जो ट्रांसफार्मर डाला था तो ट्रांसफार्मर ख़राब था, हमने ये नया ट्रांसफार्मर डाल के इसको ट्राई करा है, ठीक है। तो और इसका बेट, तो इसका बेट भी गलत है, कैलिब्रेशन भी इसका गलत है। अब इसमें और हम देखते हैं, ये माइनस ले लिया है हमने, और लोड सेल को हम 5 वोल्ट देते हैं, तो ये 5 वोल्ट निकलता है या नहीं, ये देखिए 4.98 वोल्टेज निकाल रहा है। और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर ये चार्जिंग, मतलब यहाँ पर हमारा चार्जिंग सिस्टम है, यानी एक प्रकार से चार्जर है ये मदरबोर्ड में, तो चार्जिंग में चार्जर है यहाँ पे, जैसे रेजिस्टेंस है, डायोड है, और ये जो आईसी लगी यहाँ से आउटपुट निकलता है, और हमारा यहाँ पर बैटरी वोल्टेज चेक करते हैं वहाँ पर हमारा वोल्टेज बैटरी के लायक निकलता है। जैसे 7.18 आया ना, तो कैसे आया, जैसे 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर हुआ, फिर वहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगाए, ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट होने के बाद 8 वोल्ट आउट हुआ वहाँ से, फिर 8 को फिर ड्रॉप करके फिर 7 में कैसे लाए हैं, तो ये हमारा एक चार्जर बना हुआ है यहाँ पर। अब देखिए इसमें 799 इन हो रहा है, और इसमें आउट होगा 794, मतलब कुछ वोल्टेज इसमें ड्रॉप हो रहा है उस रेजिस्टेंस में। 799 इनपुट हो रहा है इस साइड, और ये डायोड में भी देखिए 794 हो रहा है, और 718 आउट हो रहा है, और जहाँ पर हम बैटरी लगाते हैं वहाँ पे देखिए कितना आ रहा, 7.18। तो इस तरीके से हमारा 12 वोल्ट ड्रॉप होते होते बैटरी चार्जिंग के लिए 7 वोल्ट तक आता है। इस मदरबोर्ड में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, सिर्फ चार्जिंग की प्रॉब्लम थी, जो ट्रांसफार्मर ख़राब था, कीबिट लगा दिया है हमने, और इसका कैलिब्रेशन भी कर देंगे हम। और जब तक, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी दबा दें,
यहाँ पे देखिए, हम अब इसका कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। मुझे इसका पासवर्ड नहीं पता इस कार्ड का, कुछ गैलेक्सी लिखा आता है इसमें स्टार्टिंग होते समय। फिर भी हम ट्राई करते हैं, जो मुझे पासवर्ड पते हैं जितने भी, उन पासवर्डों का यूज़ करते हैं ताकि प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम अनलॉक पासवर्ड तोड़कर फिर किससे कैलिब्रेशन करेंगे। अनलॉक पासवर्ड का भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि जिस कार्ड का हमें सही से पासवर्ड नहीं पता है तो उसका अनलॉक पासवर्ड तोड़कर हम उसका कैलिब्रेशन कर देते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये लिखा है पास UID, यानी क्या पासवर्ड डालना पड़ेगा हमें। पासवर्ड अगर ये मदरबोर्ड में न्यू डालता तो मुझे इसका पासवर्ड पता रहता, लेकिन अब मुझे नहीं पता है तो ट्राई करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पासवर्ड डाल के देखेंगे इसमें अलग अलग, किसी पासवर्ड से प्रोग्रामिंग खुल सकती है। जैसे मैंने 2012 डाला, नहीं खुला। 2010 बार डाला, फिर भी नहीं खुला। तो हम अलग अलग डाल डाल के देखते हैं। 2020 तक डालेंगे इसमें, 2011 डाला मैंने, फिर भी नहीं ओपन हुआ। तो जितने पासवर्ड मुझे पता है मैं सारे डाल डाल के एक बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पर 2020 भी डाल दिया मैंने, फिर भी ओपन नहीं हुआ। ये 2010 भी डाल के देख लिया। यहाँ पर मैंने 11 भी डाल के देख लिया, और यहाँ पर 00 डालना है। तो इसका पासवर्ड 00 है और 00 में इसका प्रोग्राम ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर NF को बंद रखेंगे हम, डिज भी बंद रखेंगे, A03 रखेंगे, D00 रखेंगे, और कैपेसिटी 10 किलो 1 ग्राम से स्टार्ट। कैपेसिटी 2 इसकी 20 kg है, TP में 4, और ये लीटर फंक्शन है ना, तो लीटर फंक्शन की ज़रूरत नहीं है हमें। और इस तरीके से हम अब इसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं। तो कैलिब्रेशन देखिए 5 to 4 बता रहा है 1 kg, तो 5 to इसको कैलिब्रेशन करेंगे। यहाँ पे 00 पासवर्ड डाल देंगे, और उसके बाद हम जितना वेट रखा है उतना लिख देंगे। 1 kg रखा था, हम यहाँ पर 1 kg लिख देंगे और टेयर कर देंगे। इस तरीके से ये कैलिब्रेशन होके वजन सही कर दिया। ओके, वीडियो आपको सही लगा होगा तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।